भाई ग्रास के बीच में है टाइगर। अब सीन और गाइस दिल थाम के भाई गाड़ियां तुम्हारी आगे आ जाएंगी, आगे ले लो सब। हम भी अपने को छुपाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हमने अक्सर देखा नहीं है कि टाइगर चलते चलते बैठ जा रहे हैं। दो बार ऐसा हो चुका है काफी डिस्टेंस में, लेकिन इनकी दोस्ती काफी अच्छी मानी जाती है। ओ भाई डियर के बगल पे बैठ गया वो लंगूर। तो यार देखो वाइल्ड जकार एकदम सड़क ही सड़क आ रहा है हमारी तरफ। Hey guys, welcome back to our YouTube channel Wildlife D Zone। मैं आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांकर खुलबे स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के YouTube चैनल Wildlife D Zone में। तो दोस्तों आज हम आए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये जो आप देख रहे हैं हमारे जस्ट बैक साइड में ये ढेला गेट है और यहाँ से हम जो सफारी करेंगे आज ढेला जोन हमने चूज कर रखा है। हालांकि मतलब अभी ढिकाला क्लोज हो गया है, 15 जून के बाद ढिकाला जोन क्लोज हो जाता है जो सफारी के लिए, और 30 जून बिजरानी और गर्जिया जोन की भी आखिरी डेट है। लेकिन जो ढेला और झिरना जोन है वो पूरी बरसात में पूरे मानसून सीजन में चलता है। हालांकि अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कई जगह पे बीच में नदी बढ़ती है तो इस वजह से क्लोज हो सकता है, लेकिन आज मौसम तभी भी हमें ठीक ठाक है। मॉर्निंग में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी लेकिन देखते हैं अब अंदर जाके क्या यहाँ का आज हमारी सफारी का रिजल्ट होता है। तो आप लोग बने रहिएगा और आपसे मिलाते हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो बाकी अभी हमारी आईडी वगैरह चेक हो रही है। खतरे जी उधर आईडी क्यों? तो साथी इस बार भी हमारे साथ हैं साबू भाई। तो अक्सर हम जितनी सफारी होती है मैक्सिमम जिम कॉर्बेट की साबू भाई के साथ चलते हैं। और यार हमारे साथ ये सफारी में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ सालीन और अपने खत्री जी। तो हमारा यार पीलीभीत खत्री जी बहुत तगड़ा रहा था, उसके बाद हमारा जस्ट ये जिम कॉर्बेट का ढेला फिर से स्टार्ट हो गया है। और बात हमारे साथ एकांक भी है, तो एकांक के साथ हमारी लास्ट बिजरानी में काफ़ी अच्छी सेटिंग रही थी, होपफुली आज दिखेगा। एकांक जी बहुत लकी है हमारे लिए और हाँ हमारे सफारी में काफ़ी लकी भी है। साल का एक्सपीरियंस बहुत खराब हुआ है, 25-26 में मेरे को टाइगर दिखा हमारे साथ है। हमारे साथ तो हम दोनों का लगा एक दूसरे जुड़ा हुआ है। हाँ। जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है, वाइब्स है, तो अच्छा मज़ा भी आता है, तभी हम सफारी इतनी फ्रिक्वेंट कर पाते हैं। बाकी आप लोगों को लेके चलते हैं। तो अभी भैया हमें मिले हैं तो हमारी वीडियो देखते हैं। कहाँ से हो आप? ब्रजघाट कालागंगा। अच्छा तो ये कितने पहले भी आए हो सफारी करने? हाँ पहले हमारा आमरिंडा गेट था दूसरा। अच्छा ओके ओके, कैसी रही वहाँ की सफारी? वहाँ हमें टाइगर नहीं दिखा था, दोबारा देखना है। चलो दिखेगा आज। कि हमारे साथ है इस बार निमिषा मैम आफ्टर सो लॉन्ग। तो देखो अच्छी साइटिंग की उम्मीद है। हमारी सफारी स्टार्ट हो गई है, गणपति बप्पा मौर्य। बाकी यार जिम कॉर्बेट की अलग ही वाइब्स है तो यहाँ पे, लेकिन अभी रिसेंटली कोई फायरिंग कर रखी है वाइल्ड फायर, जो झाड़ी वाड़ी ज़्यादा हो रही थी उसको हटाने के लिए। तो यार ये ग्रासलैंड वाला एरिया है और ये वाटर हॉल जहाँ पे अक्सर टाइगर की मूवमेंट रहती थी। तो लेकिन अभी जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही ये ग्रासलैंड कटा हुआ है और हमारे गाइड साहब है। भैया आपका नाम? राजेंद्र सिंह रावत। रावत जी कहाँ से आप भैया? हमारे साथ लोकल से। लोकल से बढ़िया बढ़िया। तो क्या है आजकल ढेला? देखो मॉर्निंग में साइटिंग तो हुई थी साइटिंग। मेल टाइगर कौन सा? ऐसा कंफर्म नहीं था, दूर से ही दिखा था टाइगर। तो यार मतलब काफ़ी सही लग रहा है, जो कि मतलब काफ़ी टाइम पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन हमें पता है पूरी अभी जो हमें स्टार्टिंग की सफारी थी हमारी 2-3 महीने पहले की, कम्प्लीट ये ग्रास से भरा हुआ था, लेकिन अभी ये ग्रास काट दिया है जिसका हमें कोई रीज़न तो पता नहीं है, लेकिन काफ़ी सुंदर अब लग रहा है, बहुत दूर तक विजिबिलिटी है।
और ये नई घास आने का भी टाइम हो रहा है, बरसात से पहले काटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कोई फ्रेश उसमें ग्रास उगेगी, जो कि वाइल्ड एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो देखो ये ढेला का अंदर का जो ग्रासलैंड वाली रोड है ना, वहाँ हम जा रहे हैं। तो अभी तक हमने ये ब्लॉग्स में दिखाया नहीं था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को हम दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग के ज़रिए। तो एक वाटर हॉल इस साइड भी है, तो ऐसे वाटर हॉल के अंदर ही जंगल में टाइगर पानी पीने या अपनी गर्मी शांत करने के लिए आता है। और थोड़ा सा आगे की तरफ हम आए तो मतलब दाएं साइड में आप देख सकते हैं ग्रासलैंड है, और लेकिन लेफ्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। और अक्सर यहाँ पे हमने हाथियों की मूवमेंट देखी है, लेकिन अभी गर्म भी इतना ज़्यादा है तो अभी तक कोई वाइल्ड एनिमल हमें देखने को नहीं मिले बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये लाल ढांग है और इससे स्ट्रेट हम जाते हैं तो झिड़ना, लेकिन आज हम ढेला जोन में ही सफारी कर रहे हैं, तो आपको पूरा एक्सप्लोर ढेला के अंदर ही करेंगे। तो एक वाटर हॉल यहाँ पे है और यहाँ पे मचान बना हुआ है फॉरेस्ट वालों के, लेकिन एकदम सुनसानी चल रही है अभी। बाकी अभी हम फिर से वही लोकेशन की तरफ आ गए हैं। तो साहब भाई क्या है अभी प्लान? सबसे पहले अभी जाते हैं डेन फॉरेस्ट में, हम साल वाले फॉरेस्ट में, क्योंकि अभी यहाँ ग्रासलैंड में बहुत ज़्यादा धूप है, ठंडे एरिया को चेक करते हैं अभी कि वाटर वाला हमने सब सब चेक कर लिए, उसमें कुछ नहीं है, ठंडा इलाका चेक करते हैं। तो अभी मतलब ये पूरा इलाका ग्रासलैंड वाला ना, क्योंकि अभी घास भी काटी हुई है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है, और वाटर हॉल जितने यहाँ पे थे 3-4 हमने सारे चेक कर लिए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वन वे से डेंस फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर टाइगर मतलब गर्मी के टाइम में ना मतलब ठंडी जगह पर ही रहना पसंद करता है, किसी पेड़ की छाया में या फिर कहीं वैसे सड़क साइड में। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर कुछ मिलता है तो आपको दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी ये कुछ सफारी है, गाड़ी अभी आ रही है। तो यार वहाँ पे लंगूर और डियर हमने देखे थे, जिनकी हमने कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स भी आप लोगों के साथ शेयर की। तो अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी देखिए गर्मी के टाइम में डियर और लंगूर हमें यहाँ पे दिखे हैं, तो डियर पानी पी रही है और उसके साथ में लंगूर भी है, तो जंगल में इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ओ भाई डियर के बगल पे बैठ गया वो लंगूर मांस करके। तो हमेशा लंगूर डियर को सेफ गार्ड करने के लिए अलार्म कॉल देता है, लंगूर और बंदर दोनों। तो वहीं पे लंगूर आ चुका है और धीरे धीरे बाकी लंगूर भी पानी पीने आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये इतने निश्चिंत तो मतलब आसपास कोई टाइगर नहीं है, तो हम भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी देखो उसका छोटा सा बच्चा उसके गोदी में। और थोड़ा अब हम रावत जी से जानते हैं इस फॉरेस्ट के बारे में खास बात। रावत जी क्या होता है? देखो जी बताया बताओ कैसा मतलब क्या क्या है फॉरेस्ट में, पेड़ पौधे ऐसे कुछ? पेड़ पौधे तो सब साल के दिख रहे हैं अभी यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया बाकी? मेरे को वैसे डिपार्टमेंट में 2007 से था पहले से। अच्छा, सात में इन्होंने अभी 2 साल से प्रमोट कर रखा है। उससे पहले किस में थे? हाउस कीपिंग। तो रावत भाई भी हमारे यहीं के हैं उत्तराखंड के, और बड़े हसमुख हैं।
तो यार अब हम डांस भी होके आ गए हैं और अब पक्की सड़क में आ गए हैं। और यार चलते हुए तो मतलब सही लग रहा है, लेकिन कहीं पे रुक रहे हैं ना तो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो यार ये देखो वाइल्ड जैकार एकदम सड़क ही सड़क आ रहा है हमारी तरफ। तो अभी हमारे खत्री जी जैकॉल को घर तक छोड़ के आ रहे हैं अपने कैमरे से। खत्री जी क्या लग रहा है फिर आज? आज तो लग रहा है कि उम्मीद है। उम्मीद है जी, मौसम भी काफ़ी गर्म है, उमस भी है ना। उमस है, उम्मीद तो है, बाकी किस्मत भी है हमारी। बारिश हो गई आज। बाकी यार गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना, मतलब हमसे खुद ही एक जगह पे रुका नहीं जा रहा है, तो अगर कहीं एक जगह पे रुक रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जा रही है, और इस वजह से हम थोड़ा सा अपनी मूवमेंट भी करते रह रहे हैं। बाकी देखो मूवमेंट टाइगर की भी पकड़ने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी साथियों यहाँ पे प्लांटेड ट्री है यूकेलिप्टस के और टीक के, तो वहाँ पे सर्पेंटिगल है और उसकी हम कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो सर्पेंटिगल ज़्यादातर रेप्टाइल्स का शिकार करता है। तो जिसके अंदर लिजर्ट, स्नेक्स, सांप ये सारे होते हैं। थोड़ा आगे ले, आइस भी आ जाएगी। तो यार वो आगे तेंदू का ट्री है, यहाँ पे जंगल आउटलेट दिखा है, तो उसकी फोटोग्राफ्स लेते हुए। तो यार आउल की पिक क्लिक करने के बाद हम ढेला जोन में थोड़ा अंदर की तरफ जा रहे हैं और मौसम थोड़ा सा हमें ठंडा लग रहा है अब, मतलब कूल है पहले से। और देखो ये टाइम भी है मोमेंट का, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी तो वो हम मिस करना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ का एक राउंड मार के हम सीधे मेन रोड की तरफ जाएंगे। तो यार ये ब्रेक पॉइंट है और यहाँ पे वॉच टावर भी है, और यहाँ से हम वापस रिटर्न जाएंगे अभी मेन रोड की तरफ। फटाफट और यार ये वॉच टावर है और बहुत सारी अभी गाड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठा होने लग गई हैं, लेकिन हम जा रहे हैं आगे की तरफ क्योंकि यार अभी सफारी का मेन पीरियड सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है। यार देखिए जो वन विभाग की ड्यूटी होती है ऐसे बाइक से भी इनको ट्रैवल करना पड़ता है कई बार घने जंगल में अकेले, जो आप और हम सोच नहीं सकते। तो यार ये जंगली मुर्गा अभी अलर्ट कर दे रहे हैं और काफ़ी कंटिन्यूस अलर्ट कर रहे हैं, हो सकता है या तो टाइगर की मूवमेंट है या कोई अदर प्रेडेटर हो सकता है उसके आसपास। तो यार अभी फाइनल हमारे पास एक घंटे का टाइम बचा हुआ है और फिर से हम वाटर हॉल की तरफ एक राउंड लगा रहे हैं क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। तो यार ये ग्रासलैंड के पास टाइगर होने की बात बताइए, लेकिन देखते हैं अभी किसी एंगल से अगर दिखता है हमें, क्योंकि ये टाइगर ग्रास है, यहाँ पे टाइगर इतनी बड़ी घास है कि छुप जाता है। तो यार अभी सीन ये है कि मतलब ज़्यादा एक्साइटेड होके, मतलब कई बार ना घास भी टाइगर जैसी लगती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन टाइगर की मूवमेंट एक गाड़ी थी, उनसे पहले एक गाड़ियों ने सामने बरगद के पेड़ हैं उसके पास क्रॉस करते हुए देखा था,
तो अभी हम उसके पास एक वाटरफॉल भी है तो वहाँ जाके हम ट्राई करते हैं। अदरवाइज यही एरिया में मूवमेंट है जो हम वाटरफॉल दिखा रहे थे वो और ये वॉच टावर के आसपास के एरिया में, तो ज़्यादातर चांस है कि यहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो गाइस हमें टाइगर दिख गया है यार। गाइस मतलब टाइगर तो दिख गया, हमने मूवमेंट देख ली है इस एरिया में। अरे वो चल रहा है, चल देख लिया देख लिया मैम, है बहुत बड़ा है। तो भाई ग्रास के बीच में है टाइगर, अब सीन क्या है सीनरी है ना, ये एक रोड क्रॉसिंग में मिल सकता है हमें। और गाइस दिल थाम के भाई गाड़ियां तुम्हारी आगे आ जाएंगी, आगे ले लो सब। जाके लो फोटो लो, फोटो लो मैम सब लेना। हाँ तो यार मतलब ऐसी साइटिंग हुई ना, तो ये हमारी फर्स्ट टाइम ढेला की साइटिंग है, टाइगर साइटिंग, और वो भी मेल टाइगर बोल टाइगर। तो सब भाई जी मजा आ गया एक बार जो है, काफी चार पांच सफारी के बाद इस सफारी में हमें टाइगर। तो हमारे जिम कॉर्बेट की काफी टाइम से ड्राई जा रही थी, तो निकाला में भी हमें खाली झलक दिखी थी, लेकिन आज जो बम्पर हुआ है रोड में आने के बाद आज गजब भी हो गया। और खत्री जी कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया शानदार, और पहली बार जो है डीलर रेंज की हमारी सफारी सक्सेस हो गई है आज, और जो मतलब शानदार दिखाया टाइगर ग्रासलैंड से निकलते हुए, बहुत ही बढ़िया शॉट और वीडियो बनाए हमने। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, आज तो बम्पर साइटिंग हुई है, बम्पर शॉट्स मिले एक तरफ, मैं भी बहुत खुश हूं यार, वो भी फर्स्ट, मेरी तो फर्स्ट काफी टाइम बाद जो है साइटिंग हुई है। हां मतलब एकदम जिसे कह सकते हैं ना बढ़िया करके राजू भाई, बहुत बढ़िया साइटिंग हुई। और ये टाइगर के बारे में बताइए, मेल टाइगर है, क्या एज होगी इसकी लगभग? अभी ये समथिंग है 22 महीने के आसपास, मतलब 2 साल समथिंग। तो अभी इसकी एक बहन भी है शायद ना, और एक इसकी माँ, जो भी भालू वाला, और इसका भालू वाला कंडीशन नहीं किया था, जो भालू वाला भी ट्रेजेडी भालू, यही मेल है। अच्छा इसी मेल ने, यही मेल है, एलिफेंट पे भी यही कर रहा था वो चार्ज, इसी के साथ भालू की जो है। और भाई हम बात ही कर रहे थे ना, एक आंगा मान ले हमेशा मतलब थोड़ा लकी रहता है, और इसके लिए हम लकी रहते हैं, तो हमारा जो कॉम्बो है ना आज वाला शॉट एक तरफा, मतलब क्लासिकल शॉट ऊपर से हमारी सिर्फ जीप अकेले मतलब ग्रासलैंड से निकलते हुए जो हमने देखा ना, मतलब कितना हमारे साथ स्टार्टिंग में हाइड एंड सेक था, वो सारी चीज़ देख के मज़ा आ गया।
गाइस जो हमें ये टाइगर दिखा ना, ये मेल टाइगर है। हालांकि इसकी फैमिली हमने एक बार पहले देख रखी है झेरना वाली तरफ में, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि हम उसे कैप्चर कर पाए। लेकिन आज जो हमने देखा है ना, उसे अपनी आंखों से, अपने कैमरे से बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी आए, वीडियो भी बनाए। तो मतलब ये एक तरफा हमने देखा है। और ये जो मेल टाइगर है ना, इसने तो इसी मेल टाइगर ने भालू को मारा था, जो आपने कुछ टाइम पहले जो ढेला में टाइगर ने भालू मारने की आपने खबरें सुनी होगी, और मैंने एक ब्लॉग भी उसका शेयर किया था। तो यही मेल टाइगर था। हालांकि इसकी माँ भी है और एक बहन भी है, लेकिन अटैक करने वाला यही था। और जो एलिफेंट पे एक टाइगर ने चार्ज किया था, वो भी ढेला की बात है, वो करने वाला भी यही मेल टाइगर है। तो अभी से हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अग्रेसन है इसके अंदर। ये मेल टाइगर है और थोड़ा बहुत साई भी है। तो जब मूवमेंट हो रही थी, हमने इसकी मूवमेंट ट्रैक करी, तो मूवमेंट के बीच में भी ये दो बार ग्रास में छुपने की हमसे कोशिश करते रहा। लेकिन हम लोग भी थोड़ा गैप बना के रुके थे, तो रुकने का फ़ायदा ये हुआ कि उसने अपनी चाल कंटिन्यू करी, क्योंकि ग्रास भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लग जाती है। और जब उसकी मूवमेंट हमें रोड में क्रॉस करते हुए मिली, तो उस टाइम में सिर्फ हम ही वहाँ पे थे, हमारी गाड़ी थी। हमें देख के फिर बाद में कुछ गाड़ियाँ आई, तो हमें बहुत अच्छा उसकी क्रॉसिंग मिली और हेड ऑन शॉट्स मिले। यही एरिया था, यही ग्रासलैंड था जहाँ से हमने टाइगर की क्रॉसिंग देखी थी, और बहुत अच्छे मतलब शॉट्स मिले यार। मतलब सबको ही, सारे जितने हमारे साथ फोटोग्राफर है ना, सबको आज बहुत अच्छे शॉट्स मिले। और बाकी अभी हम चल रहे हैं पक्की पटरी में, पक्की सड़क में। क्या कह रहे हो? दिखना भी चाहिए, मतलब इतना करीब से जो आंखों में आंखें डाल के देखा है ना। और भाई मेल टाइगर काफी अच्छा लगा। गाइस यहाँ देखिए, तो यार देखिए मतलब मौसम भी ना इतना अब ठंडा होने लग गया है। और ये देखिए ट्रैक्टर भी यहाँ पे चल रहा है। वाइट टाइगर इस साइड है, और बाकी हो सकता है कि उसकी माँ और जो सिस्टर है टाइगर, वो हमें देखने को मिले। तो हम इसी वजह से थोड़ा टाइम रहते हुए मेन पक्की सड़क पे आ चुके हैं। तो गाइस आज जिम कॉर्बेट ढेला जोन मेल टाइगर की साइटिंग एक तरफा। तो यार मौसम भी काफी शानदार हो गया है, और भाई मतलब बस तो यार देखा मतलब जब हमें टाइगर की साइटिंग हुई, तो आसपास कोई डियर भी नहीं थे और एक भी अलार्म कॉल नहीं। एकदम सन्नाटे में टाइगर की साइटिंग हुई है। और आजकल हो भी ऐसे रहा है, मैक्सिमम टाइम हमें टाइगर विदाउट एनी कॉल्स दिख जा रहा है। सेम पीलीभीत में हुआ था, सेम यहाँ पैटर्न रहा है। तो हो सकता है कई बार मतलब ऐसे भी दर्शन हो सकते हैं, तो बाकी और ट्राई करते हैं। और वैसे जो आप देख रहे हैं ना, ये टाइगर ट्री है, यानी कि जो बर्ड्स की टाइगर है, ग्रेट हॉर्नबिल उसका नेस्ट है यहाँ पे। तो यार मौसम भी अब ऐसा हो गया कि मतलब बारिश आने लग गई है, और हम अभी जंगल के अंदर ही है, और आखिरी 10 से 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है। भाई भाई बारिश हो गई बहुत तेज, तो कवर करना पड़ेगा, यही बांध देना इसमें। तो देख लो लास्ट मोमेंट में अपना कवर भी लग रहे हैं। क्या 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 25 साल का मलाल आज खत्म हुआ है। पहले भी दिखा था हमारे साथ यार, दिखा था, लेकिन सर एक चीज होती ना, उनको सेटिस्फैक्टरी हेड ऑन, और आपने क्लैरिटी देखी, आपने उसे देखा, उसने आपको देखा। हां भाई, आज मतलब पूरा सेटिस्फाई हो तुम, सेटिस्फेक्शन वाला मिला मतलब।
यार बारिश तो बहुत तेज हो गई है, लेकिन हम भी टाइम से निकल गए हैं और गेट की तरफ ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। तो भाई अभी हम पहुंच गए गेट पे। राजू भाई तो ये गेट है और कंटिन्यू अभी बारिश चली रही है। वैसे इस बार हमारे साथ राजू भाई थे और इनका भी काफ़ी अच्छा लग हमारे लिए काम आया और मेल टाइगर की बहुत तगड़ी साइटिंग हुई। तो मिलते हैं राजू भाई फिर। तो यार राजू भाई भी चले गए, अब हम सीधे अपनी पार्किंग की तरफ चलते हैं। तो यार बाकी अभी हम पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी पे। तो साबू भाई फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू फॉर सफारी। और आज के ब्लॉग को करते हैं क्लोज, मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय।